अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। तो डे स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी को तो आप जानते ही होंगे, नेम तो सुना ही होगा, यूईटी लाहौर। हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर में एडमिशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। किसी किसी को एडमिशन मिलता है यूईटी लाहौर में। आज की इस वीडियो में आपकी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा कि आप यूईटी की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो डेयर स्टूडेंट, जिन कैंडिडेट के मार्क्स एग्रीगेट अच्छा होता है तो वो यूईटी या यूईटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेने का उनका ख्वाब पूरा हो जाता है। तो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो वो यूईटी लाहौर में एडमिशन नहीं ले पाते। ये दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है यूईटी टेक्सला, तो उसमें भी वो एडमिशन नहीं ले पाते। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ यूईटी लाहौर की डिग्री आप किस तरह ले सकते हैं, वो भी यूईटी लाहौर में एडमिशन लिए बगैर। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जो कि यूईटी लाहौर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से कॉलेज हैं जो यूईटी लाहौर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जो कि यूईटी लाहौर से एफिलिएटेड हैं। आप उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले कि यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, जो स्टूडेंट न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की एडमिशन की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर से एफिलिएटेड हैं, और कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो डे स्टूडेंट, टोटल जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं वो 12 हैं जो कि यूईटी लाहौर से एफिलिएटेड हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड लाहौर, जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो है बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। नंबर टू पे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट स्वीडिश पाकिस्तानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और नंबर फोर पे है एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस एच कंप्यूटर साइंस, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीबीए। तो याद रखिए, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में डिफरेंस होता है। बीएससी इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से डिग्री रिकग्नाइज होती है, जबकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल से डिग्री रिकग्नाइज होती है। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uet.edu.pk पे जाकर विजिट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट। तो नंबर फाइव पे है कायदे आजम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साहिवाल, जो कि एमएस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। नंबर सिक्स पे है शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायवंड रोड लाहौर, इसके मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं मोबाइल्स पे, तो आप इसको विजिट करें। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस एच कंप्यूटर साइंस, तो ये तीन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायवंड रोड लाहौर। नंबर सेवन पे है स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसके साथ जो एट्थ नंबर पर है वो है चनाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुजरांवाला, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
भी ऑफर कर रहा है। नंबर 9 पे है डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मियांवाली, BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। टोटल 3 प्रोग्राम डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मियांवाली ऑफर कर रहे हैं। नंबर 10 पे है इस्लाम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस सियालकोट, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये टोटल 2 प्रोग्राम इस्लाम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस सियालकोट ऑफर कर रहे हैं। तो नंबर है 11 पे सर सैयद कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस लाहौर ओनली 1 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, BSh कंप्यूटर साइंस। और नंबर 12 पे है ग्रैफ्टन कॉलेज इस्लामाबाद जो कि 2 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस। तो ये 12 कॉलेज थे जो कि UET लाहौर से एफिलिएटेड हैं। आप इन कॉलेज को जाके खुद देखें, विजिट करें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट चेक करें कि कौन से कॉलेज का कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज है। तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। होपफुली ये वीडियो उनके लिए वेरी हेल्पफुल साबित हुई होगी जिनके एवरेज मार्क्स हैं और वो UET लाहौर की डिग्री लेना चाहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत सी मालूमाती यूनिवर्सिटीज के बारे में और एडिटिंग ऑन फिल्मोरा पे आपको वीडियो मिलेंगी। और आने वाली वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि इंजीनियरिंग के अलावा कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम हैं जिनमें आप एडमिशन लेके एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।